नमस्कार फ्रेंड्स, ये जो आप साइड में चाकू देख रहे हैं, ये जब किसी सर्जन के हाथ में होता है तो किसी की जान बचा लेता है, और यही चाकू जब किसी चोर लुटेरे के हाथ में आता है तो किसी की जान ले भी सकता है। यही होता है कुछ अपने और मोबाइल फ़ोन के साथ। इसका सही उपयोग है, हमें सफलता की ओर ले जा सकता है, और यदि इसका अपन कुछ इस तरह से करें जो हमारे जीवन करियर के लिए सही नहीं हो, तो हमें असफलता की ओर ले जा सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पांच एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी जीवन में स्टडी, टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले है मैट्रिक। मैट्रिक जो एप्लीकेशन है वो आपको, जैसा कि इसके नाम से मालूम हो रहा है, आपकी जो मैथ की बेसिक कैलकुलेशन है उनको इंक्रीज करने वाला एप्लीकेशन है। जो भी जैसे एड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लाई, रूट, स्क्वायर, परसेंटेज वगैरह, यानी इनकी निरंतर अभ्यास से है। इसमें छोटे छोटे कुछ सेट दिए गए हैं 20, 25, 30 के, उन सेटों के अभ्यास से आप हैं वो अपनी जो मैथ की बेसिक कैलकुलेशन है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें एक ट्रेनिंग मोड का भी सेक्शन है जिसमें आप जाके पहले ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके बाद है वो कैलकुलेशन है वो भी बढ़े, और साथ में गेम का भी इन्जॉय होता रहे। इसके लिए गेम की भी सुविधा है। यदि आप सिंगल है तो सिंगल गेम खेल सकते हैं, यदि आप दो या तीन विद्यार्थी साथ में बैठे हैं तो दो तीन विद्यार्थी है मिलकर भी आप इसमें एक गेम के माध्यम से जो अपनी कैलकुलेशन है वो बढ़ा सकते हैं, और जो लूडो वाला आनंद है वो इसमें ले सकते हैं। क्योंकि ये आपके लिए कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ करेगा, और वो जो आपका एक गेम का जो एहसास है वो भी होता रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे आपको ज़रूर यूज़ कीजिए, और आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक रहे वो चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, नंबर सेकंड है लूप हैबिट ट्रैकर। ये एप्लीकेशन फ्रेंड्स आपको नई आदतें बनाने, आदतों को मेंटेन करने और लॉन्ग टर्म और जो शॉर्ट टर्म गोल है उनको अचीव करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में आदतों का बहुत ही महत्वपूर्ण है वो योगदान रहता है सफलता और असफलता। हमें क्या हासिल होगी ये हमारी आदतों पर ही निर्भर करता है। सफलता और कुछ नहीं, जो कुछ बुनियादी उसूल है उनको लगातार अमल में लाने का नतीजा होती है, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता और कुछ नहीं, बस जो कुछ बुनियादी गलतियां हैं, जो कुछ बार बार हम गलतियां दोहरा रहे हैं, उसी का नतीजा असफलता होती है। और ये हमारी आदतें ही तय करती है कि हम अच्छी जो हमारी आदतें हैं उनको दोहरा रहे हैं या जो ख़राब आदतें हैं। जाने अनजाने में हमें ये पता नहीं होता कि हम किस प्रकार की आदतें बना बैठे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सजेशन के तौर पे ये रहेगा कि अच्छी आदतें ही डेवलप करें। और ये जो एप्लीकेशन है लूप हैबिट ट्रैकर, ये एप्लीकेशन आपको जो भी अच्छी आदतें हैं, जो भी आदतें आप बनाना चाहते हैं उनको कंटिन्यू करने, उनको लॉन्ग टर्म तक ले जाने में आपका मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है ये भी। मैं सजेशन आपको यही दूंगा कि ये भी आप ज़रूर यूज़ करें। फ्रेंड्स, नंबर तीन है ब्रेनली। ये एप्लीकेशन एक स्टूडेंट कम्युनिटी के जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप इसको टाइप करके ब्रेनली में क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। ये एक स्टूडेंट कम्युनिटी की तरह ही है। जो भी स्टूडेंट इसका यूज़ कर रहा है साथ में, वो आपके क्वेश्चन को देखेगा और उसका आंसर देगा। इसके साथ साथ यदि कोई क्वेश्चन टाइप होने योग्य नहीं है, जैसे कोई इक्वेशन वगैरह है साथ में, तो आप इसका जो स्कैन का फीचर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो इमेज और स्कैन है दोनों इसमें उपलब्ध है फीचर, उसके थ्रू भी आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसके काफ़ी और भी जो फ़ायदे हैं वो भी, कक्षा 6 से लेकर लगभग 12 तक CBSE जो भी जितने भी बोर्ड है उन सभी के जो अमूमन जो क्वेश्चन है स्टूडेंट के लिए, उन सभी का आंसर है वो इसमें आपको मिल जाएगा। काफ़ी बार गूगल है वो भी क्वेश्चन पूछे जाने पे ब्रेनली ही सजेस्ट करता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस एप्लीकेशन का भी आप यूज ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, फोर्थ ऐप है फॉरेस्ट स्टे फॉक्स्ट। इस एप्लीकेशन का उपयोग कुछ इस प्रकार से है कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो इसमें समय सेट कर सकते हैं, जैसा कि इससे नाम से मालूम हो रहा है फॉरेस्ट, यानी जब आप पढ़ने बैठें तो 30, 35, 40 मिनट का अपने अनुसार समय सेट कर लें, और जब आप अपने जो समय सेट किए उतनी यदि पढ़ाई है, यानी 30, 35, 40 मिनट तक पढ़ाई बिना किसी डिस्टर्बेंस के कंटिन्यू यदि स्टडी करते हैं आप, तो अंत में एक ट्रिगर होगा। जो भी आपकी बैरन बंजर भूमि होगी उसमें एक ट्रिगर होगा यदि आप बिना किसी अदर फीचर टैब ओपन किए ये टाइम है
स्टडी करते हैं उस दौरान तो, और यदि बीच में कोई छेड़छाड़ करते हैं, जैसे माना कि आपने 35 मिनट में 30 मिनट ही पढ़ाई की, तो आपको जो ग्रो होने वाला ट्री है वो कुछ कम गहरा होगा, मुरझाया हुआ होगा। यानी ये आपको एक तरह से है इनडायरेक्टली मोटिवेशन के तौर पे काफ़ी हेल्प करेगा ये एप्लीकेशन फॉरेस्ट स्टे फॉक्स स्टे, ये भी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। नंबर 5 है, मैं आपको सजेशन दूंगा, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और स्टूडेंट है, तो करंट जीके और मॉक टेस्ट के लिए भी है, वो आप एक एप्लीकेशन ज़रूर रखें अपने मोबाइल फ़ोन में। वो आप अपने आधार पे, यदि आपको कोई ऑलरेडी सूट है आपको जो आपने पहले से यूज़ कर रहे हैं, यदि ऐसा है तो ठीक है, वरना आप ऑनलाइन तैयारी है वो यूज़ कर सकते हैं। ग्रेड अप के का जो एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, जिसमें करंट के साथ साथ मॉक टेस्ट वगैरह पर डे की जो क्वेश्चन सीरीज है वो भी जारी होते रहते हैं। इसके अलावा उत्कर्ष का जो एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। यानी ये जो जितने भी एप्लीकेशन फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में बात की है, वो सभी आपकी स्टडी के साथ साथ आपके टाइम मैनेजमेंट में और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी।